जब बात भक्ति काल पर हो और सगुण ईश्वर और निर्गुण ईश्वर के बीच डिबेट पर चर्चा ना हो तो कहीं ना कहीं भक्ति काल का जो अध्ययन है वो अधूरा रहता है। आज हम लोग समझेंगे कि सगुण ईश्वर और निर्गुण ईश्वर होते क्या हैं, इनके बीच की डिबेट क्या है और इनको मानने और ना मानने वालों पर क्या तर्क दिए जाते हैं। तो आज बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय की क्लास में। चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग ये सब सीखने वाले हैं, सगुण ईश्वर क्या होता है, निर्गुण ईश्वर क्या होता है, शंकर का द्वैतवाद पर थोड़ी सी बात करेंगे, रहस्यवाद पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और दोनों में शानदार कौन सा है, निर्गुण ईश्वर या सगुण ईश्वर। अब आपके भीतर ये प्रश्न उठ रहा होगा कि निर्गुण ईश्वर क्या होता है, सगुण ईश्वर क्या होता है, और अगर आपको सगुण ईश्वर और निर्गुण ईश्वर के बारे में पता भी होगा तो मैं दावे से कह सकता हूं कि 60-70% को गलत पता होगा, क्योंकि वो लोग सगुण ईश्वर को मूर्ति वाले ईश्वर मान के समझते हैं और निर्गुण ईश्वर को बिना आकार निराकार ईश्वर मान के समझते हैं। लेकिन साहित्य में जब आप आएंगे तो ये अंतर कुछ और है। जानते हैं वो अंतर क्या होता है, सगुण ईश्वर क्या होता है, निर्गुण ईश्वर क्या होता है। सबसे पहले हम सगुण ईश्वर पर बात कर लेते हैं। वैसे निर्गुण ईश्वर का जो कंसेप्ट है वो पहले आया था, निर्गुण ईश्वर को लाया था शंकर ने, और शंकर ने जब अद्वैतवाद का कंसेप्ट दिया था, अद्वैतवाद का दर्शन दिया था, तो वहां निर्गुण ब्रह्म की बात की थी। और उसी के विरोध में 150 से 200 साल बाद जब भक्ति का कंसेप्ट आया और भक्ति में जब द्वैतवाद का कंसेप्ट आया, तब जाके सगुण ईश्वर की बात होने लगी। ठीक है, तो पहले समझते हैं सगुण ईश्वर क्या होता है। देखिए, सगुण ईश्वर वो होता है जिसकी व्याख्या ज्ञात गुणों से हो सके। जैसे हम लोगों को कौन कौन से गुण ज्ञात हैं, वो अच्छा है, वो सुंदर है, उसकी अच्छी हाइट है, वो अच्छा बोलता है, वो अच्छा दिखता है। ठीक है, और ईश्वर के बारे में कौन कौन से गुण है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, वो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ है, दयालु है, न्यायप्रिय है, वो कुछ भी गलत नहीं होने दे सकता, वो दयालु है, काइंड है। ये सब हम जानते हैं कि ईश्वर के गुण कहे जाते हैं। ठीक है, और एक बात मैं और बता दूं आपको, हिंदू धर्म में तो मान्यता है ही है, जैसे आपके राम भगवान जी हो गए, कृष्ण जी हो गए, ठीक है, ये सब सगुण ईश्वर के उदाहरण है। लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि इस्लाम धर्म में निर्गुण ईश्वर, निर्गुण खुदा की पूजा की जाती है, ऐसा नहीं है, वो अपने खुदा को भी सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ ये सब कहते हैं। तो जिस ईश्वर की परिकल्पना गुणों से हो सके वो सगुण है। तो इस्लाम का जो खुदा है, इस्लाम में जो खुदा है वो निर्गुण नहीं है, वो सगुण है, लेकिन वो निराकार है। ठीक है, क्योंकि वहां मूर्ति पूजा की बात नहीं होती है। वैसे ही ईसाइयों में भी है, उनके जो जीसस हैं वो गुणों की व्याख्या वो लोग करते हैं कि हाँ हमारे जीसस सर्वशक्तिमान है, लेकिन वहां साकार ईश्वर की बात नहीं होती है। लेकिन अगर आप यहूदी धर्म देखें तो उनका जो ईश्वर है वो निर्गुण भी है और आकारहीन भी है। तो उम्मीद है ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सगुण ईश्वर वो होता है जिसकी व्याख्या गुणों से की जा सकती है। अब देखिए, सगुण ईश्वर को जब आप मान लेते हैं ना, तो ये रास्ता आपके लिए सहज हो जाता है, रोचक हो जाता है। कैसे? अब आपको जब भी प्रेम का आलंबन करना है या भक्ति करनी है तो आपके सामने आप देखेंगे ईश्वर मूर्ति रूप में विराजमान है, या आपके मन मस्तिष्क में ईश्वर के प्रति एक खाका है कि ईश्वर ऐसा दिखता है, तो अब आप उस पर प्रेम का आलंबन कर सकते हैं, भक्ति का आलंबन कर सकते हैं और प्रेम पूर्वक भक्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यह रास्ता सहज हो जाता है, कठिन नहीं होता। लेकिन जब निर्गुण ईश्वर की बात आएगी तो वहां एक समस्या आती है। फिलहाल सगुण ईश्वर को जब हम मानेंगे तो हमें दार्शनिक तर्कों का शिकार होना पड़ेगा। जैसे अभी आपने समझा कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, तो जब दर्शन में उतरेंगे और दर्शन में वाद विवाद होगा तो सबसे पहले आपके सामने यह प्रश्न आ जाएगा कि भैया देखो, तुम्हारा ईश्वर अगर सर्वशक्तिमान है, तुम्हारा खुदा सर्वशक्तिमान है, या जिसे तुम मानते हो सर्वशक्तिमान है, तो एक बात बताओ, दुनिया में बुराई क्यों है? अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो अपनी शक्ति के बल पर बुराई को खत्म कर सकता था। दुनिया में असमानता क्यों है? दुनिया में गरीबी अमीर के बीच की खाई क्यों बढ़ती चली जा रही है? बलात्कार, यौन शोषण के केस क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? अब बताइए, अब आपका ईश्वर सर्वशक्तिमान है? अब आपका ईश्वर दयालु है? दयालु होता तो जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो बलात्कार का केस होता है वो कैसे होने देता ईश्वर? इसका मतलब यह भी हुआ कि आपका ईश्वर न्यायप्रिय भी नहीं है, उसे जस्टिस नहीं पसंद है। भाई, उन छोटी बच्चियों का क्या कसूर? 2-2 साल की, 3-3 साल की बच्चियों का क्या कसूर? तो जब आप सगुण ईश्वर मान लेते हैं तो आपके सामने यह समस्या आती है, इन सब प्रश्नों का जवाब आप नहीं दे पाते हैं। ठीक है, दार्शनिक तर्कों का आप शिकार हो जाते हैं। अब सगुण ईश्वर को मानने वालों में दो काव्यधारा निकलती है भक्ति काल में, एक राम भक्ति काव्यधारा, एक कृष्ण भक्ति काव्यधारा। राम भक्ति काव्यधारा का मतलब यह है कि इस काव्यधारा के लोग राम जी की पूजा करेंगे, राम जी की भक्ति करेंगे, और कृष्ण भक्ति काव्यधारा का मतलब यह है कि इस काव्यधारा के भक्त कवि कृष्ण जी की भक्ति करेंगे। और राम भक्ति काव्यधारा के प्रणेता हैं तुलसीदास जी और कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रणेता हैं सूरदास जी। ठीक है, आप जानते हैं कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी और सूरदास अपने पदों के लिए पॉपुलर है। उनका चाहे गोपी उद्धव प्रसंग ले लीजिए, चाहे गोपियों का विरह ले लीजिए, चाहे कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन ले लीजिए, तो उन्होंने जमकर कृष्ण भक्ति की है। तो यह हो गई सगुण ईश्वर पर चर्चा। अब समझते हैं कि निर्गुण ईश्वर क्या होता है। देखिए, निर्गुण ईश्वर वो होता है कि जिनकी व्याख्या, जिन ईश्वर की व्याख्या गुणों से नहीं की जा सकती, मतलब
जो गुण हम जानते हैं, सर्वशक्तिमान होना, सर्वज्ञ होना, सर्वशक्तिशाली होना, शक्तिशाली होना, दयालु होना, न्यायप्रिय होना, ये सब गुण ही तो है, इसको हम जानते हैं। लेकिन वो ईश्वर जो निर्गुण है वो इन सबसे परे है। शंकर के अद्वैतवाद में जो शंकर का निर्गुण ब्रह्म है वो इन सबसे परे है, इन गुणों से परे है। अर्थात कोई भी गुण हम जानते ही नहीं है कि जिसके बल पर हम उस ईश्वर की व्याख्या कर सके। वो निराकार परब्रह्म परमेश्वर है, वो हम सबसे ऊपर है, वो आनंद की स्थिति में है, ना उसको सुख सताता है ना दुख सताता है। देखिए सुख और दुख में फर्क होता है, सुख और आनंद में भी फर्क होता है। सुख एक छोटी टाइम स्पैन की मुद्रा है, आप कुछ देर के लिए सुखी होंगे, लेकिन जब आप आनंद की कंडीशन में आ जाते हैं तो ना आपको सुख सताता है ना दुख सताता है। ठीक है, गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां मैं दिल को उस मुकाम पर लाता चला गया, साहिल लुधियानवी जी की लाइन है। तो ये जो अवस्था है ये आनंद की अवस्था है। जब स्कंद को पढ़ेंगे, जब कामायनी पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद का, तो वहां आनंदवाद के दर्शन में भी यही बताया गया है कि व्यक्ति को सुख और दुख से ऊपर उठकर आनंद की स्थिति प्राप्त करनी है। यही मनुष्यता का, यही मानव जीवन का उद्देश्य है। ठीक है, तो निर्गुण ईश्वर की व्याख्या गुणों से नहीं की जा सकती, वो गुणों से परे है, वो हमारे ज्ञात गुणों से परे है, अर्थात ईश्वर गुणातीत है। समझ रहे हैं आप? दूसरी व्याख्या ये कहती है, निर्गुण ईश्वर वो है उसके भीतर इतने ज्यादा गुण समाहित हैं, वो परस्पर विरोधी गुण भी हैं और परस्पर समानार्थी गुण भी हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, निर्गुण ईश्वर वो है, कुछ लोग कहते हैं कि काला है, कुछ लोग कह सकते हैं गोरा है। अब काला गोरा ये दोनों विरोधी वर्णों के प्रतीक हैं, है कि नहीं? लेकिन जो काले वर्ण को तवज्जो देगा वो कहेगा हमारा ईश्वर काला है। अब बकरों के लिए, बकरियों के लिए या प्राणी मात्र के लिए उनका ईश्वर उनके जैसे दिखता है, मच्छर के लिए हमारा ईश्वर मच्छर जैसा होगा। ठीक है, गाय के लिए हमारा ईश्वर गाय जैसा होगा, जानवरों के लिए हमारा ईश्वर जानवर जैसा होगा। तो ईश्वर का कोई आकार भी नहीं निश्चित है, कोई गुण भी नहीं निश्चित है कि बता सके कि हाँ ईश्वर ऐसा है, ऐसा होता होगा। तो ईश्वर, निर्गुण ईश्वर ज्ञात गुणों से परे है। ठीक है, मतलब उसके भीतर सभी रंग भी समाहित है और वो रंगहीन भी है, इसलिए उसकी व्याख्या, इसलिए निर्गुण ईश्वर की व्याख्या नहीं की जा सकती है। और आप देखेंगे कि निर्गुण ईश्वर को मानने वालों पर शंकर के अद्वैतवाद का प्रभाव होता ही होता है। ठीक है, अद्वैतवाद का मतलब यह होता है कि एक होना, मतलब वो परब्रह्म एक है और जो आत्मा है वो उस परब्रह्म की प्रतिबिंब है, जो एक ना एक दिन उस परब्रह्म में मिल जाएगी, दोनों एक हो जाएंगे। ठीक है, और इसी ईश्वर को मानने वालों में रहस्यवाद का कांसेप्ट निकलता है। रहस्यवाद, रहस्यवाद का मतलब होता है मिस्टिसिज्म, अर्थात आप इस चराचर संसार में अगर आप कण कण में ईश्वर को देखने लगते हैं तो ये आपका रहस्यवाद हो जाता है। ठीक है, अर्थात आप मन ही मन के भीतर या आप अनजाने और अनदेखे रूप में ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं, तो ये होता है रहस्यवाद। मैं आपको बताता हूं, सोसाइटी समझिए, साहित्य में रहस्यवाद सूफियों के माध्यम से आता है। ठीक है, और सूफी जो इस्लाम की एक दूसरी शाखा है और थोड़ी लिबरल शाखा है, कट्टरपंथी इसमें भीतर कम है, तो ये लोग ईश्वर से प्रेम भाव करना चाहते हैं। देखिए इस्लाम में खुदा और बंदा दो अलग अलग एंटिटी हैं, खुदा सबसे पवित्र है और बंदा पवित्र नहीं है, इसलिए वो जगत में अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है। चूंकि बंदा अपवित्र है और खुदा पवित्र है, इसलिए अपवित्र का पवित्र से मिलन तो ईश्वर की, खुदा की तौहीन होगी, इसलिए कभी भी बंदे का मिलन खुदा से नहीं होगा। लेकिन जो सूफी लोग हैं वो ईश्वर से प्रेम करना चाहते हैं। लेकिन जो 11वीं 12वीं सेंचुरी की बात करिए आप, तो वहां इस्लाम इतना लिबरल नहीं था, तो सूफी लोग आखिर खुदा से प्रेम करें तो करें कैसे? तो अब उनको अपना प्रेम भाव को छिपाना भी है लेकिन प्रेम करना भी है। तो देख रहे हैं ना आप, रहस्य पैदा हो जा रहा है। तो अपने पदों के माध्यम से, अपने भक्ति की तरीकों के माध्यम से रहस्य पैदा करेंगे और वो मन ही मन के भीतर ईश्वर से प्रेम करेंगे। इसलिए सूफियों का जब रहस्यवाद आप देखेंगे तो वहां अंतर्मुखी रहस्यवाद होगा, मन ही मन के भीतर ईश्वर से प्रेम करना। और अंतर्मुखी रहस्यवाद का प्रभाव कबीर दास पर भी देखने को मिलता है कि तलफ़ बिन बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, तलफ तलफ के भोर किया। तो कबीर दास जी के भीतर भी अंतर्मुखी रहस्यवाद देखने को मिलता है और कहा जाता है कि कबीर के ऊपर भी सूफियों के दर्शन का प्रभाव है। ठीक है, तो सूफियों का जो ईश्वर है वो भी निर्गुण ही है लेकिन वो उससे प्रेम करना चाहते हैं मन ही मन के भीतर, और यहीं से रहस्यवाद पनपता है कविता में, यहीं से साहित्य में रहस्यवाद पनपता है, यहीं से दर्शन में रहस्यवाद पनपता है। दो काव्यधारा निर्गुण ईश्वर को मानने वालों की निकलती है, एक संत काव्यधारा जिसके प्रणेता कबीर हैं और इनसे क्रांतिकारी व्यक्तित्व, इनसे क्रांतिकारी कवि आज तक नहीं हुआ है। उस समय का जमाना देखिए कि जहां धार्मिक कट्टरता, धार्मिक जटिलता अपने चरम पर है, मध्यकाल का जमाना है, वो हिंदू और मुस्लिम को फटकार कर चल देते हैं, वो किसी से डरते नहीं है। आज भी अगर आप 21st सेंचुरी में जाएं, जिसे हम लोग कहते हैं कि आज हम लोग आधुनिक युग में जी रहे हैं, एक सिविलाइज्ड एज में जी रहे हैं, कहने को सिविलाइज्ड हैं, आप जानते हैं, तो आप जाकर अगर किसी हिंदू को फटकार देते हैं उसके धार्मिक कर्मकांडों के लिए, या किसी मुस्लिम को फटकार देते हैं उसके धार्मिक कर्मकांडों के लिए, तो आप अगर जिंदा बच जाएं तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन कबीर दास जी, उनके भीतर ये शक्ति देखिए, उनके भीतर ये साहस देखिए, तब जाके आप अपनी तुलना कभी कबीर से कर सकते हैं। दोनों की जो सांप्रदायिकता है उसका विरोध करते हैं, हिंदू कहत मोहि राम प्यारा, तुरक कहत रहमाना, दोनों भाई लड़ी लड़ी मर गए, मरम काहू नहीं जाना। मतलब कोई ईश्वर का, कोई खुदा का मरम समझता नहीं है,
बस वो कहते हैं मुझे राम प्यारे हैं, वो कहते हैं मुझे खुदा प्यारा है, और दोनों इसी में लड़ जाते हैं। लेकिन जो ईश्वर का सच्चा मर्म है, सच्चा अर्थ है, उसे कोई नहीं समझता है। समझ रहे हैं? ये होता है कबीर का साहस। और उसके बाद सूफी काव्यधारा में मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत की रचना की। तो ये था सगुण ईश्वर, जिनकी व्याख्या गुणों से की जा सकती है, और ये थे निर्गुण ईश्वर, जिनकी व्याख्या हमारे ज्ञात गुणों से नहीं की जा सकती, वो गुणों से परे हैं। ठीक है, अब दोनों में अच्छा कौन है? देखिए मैं आपको बताता हूं। ये जो निर्गुण ईश्वर को मानने वाले लोग हैं ना, जैसे कबीर दास ही ले लीजिए, जब इनको प्रेम का भाव दिखाना होता है तो ये भी कहीं ना कहीं सगुण ईश्वर का सहारा लेते हैं। जैसे दुल्हिनु गावहु मंगल चार, घर आए मोरे राजा राम भरतार। तो अगर आप देखें, जब कबीर दास पर भक्ति का रंग चढ़ता है तो ये भी कहीं ना कहीं सगुण ईश्वर का सहारा ले रहे हैं। इसलिए बाद में तुलसीदास जी कहते हैं कि अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, मतलब निर्गुण ईश्वर में और सगुण ईश्वर में कोई भेद नहीं है, फालतू की बकवास है, दोनों एक ही है। तो दोनों में कोई अद्भुत नहीं है, अपितु ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। आपका जो मन, जिसमें आपका मन भक्ति में रम जाए, चाहे वो सगुण ईश्वर की भक्ति में रम जाए, चाहे निर्गुण ईश्वर की भक्ति में रम जाए, बस भक्ति में मन रमना चाहिए, ताकि मनुष्यता की एक नई खोज हो सके। तो इसी के साथ आज की कक्षाओं में बस इतना ही। हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय।